गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप लोग बढ़िया हो। मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। आज की जो राइड है वो एक्चुअली प्लान्ड है ही नहीं। मैं जा रहा हूँ यहाँ से भिवंडी। मुझे संडे राइड जाना था और ज्यादा दूर नहीं जाना था। एक्चुअली प्लान था हमारा एक और फ्रेंड के साथ में, प्लान हो चुका था ऑलरेडी। थोड़ा दूर लगा मुझे क्योंकि बाइक, जैसे अभी आप देखोगे ये इंडिकेटर आ रहा है इंजन का, आई डोंट नो क्यों आ रहा है। बाइक एक बार गिरी है तब से आ रहा है। इसके लिए थोड़ा रिस्क नहीं लेना था, हमने बोला कि ठीक है ज्यादा दूर नहीं जाते, पास में ही कुछ 50-60 किलोमीटर के अंदर ही जाके आते। तो अभी मैं जा रहा हूँ भिवंडी, अप्रोक्सीमेटली कुछ 50 के आसपास ही है। तो वहाँ से आगे ज्यादा दूर वहाँ से भी जाना नहीं है, तो मैंने सोचा कि यार चलते हैं। आज आई होप आपको मेरी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा क्लियर आ रही हो। मैंने आज थोड़ा डिफरेंट सेटअप किया है, आई थिंक सो थोड़ा आवाज़ अच्छी आनी चाहिए, बट नॉट श्योर। और यार मुंबई में वो पता ही है, बट मेरा वीडियो थोड़ा बाद में आएगा तो फिर मैं बता देता हूँ कि मुंबई में मास्क कंपलसरी नहीं है। एक्चुअली महाराष्ट्र में ऑप्शनल हो गया, आपको पहनना है तो पहनो, नहीं पहनना है तो नहीं पहनो, आपको कोई फाइन नहीं लगेगा उसके ऊपर। पहले क्या होता था कि फाइन लगता था। आई होप बस मुझे ट्रैफिक ना मिले, सुबह सुबह भी ट्रैफिक हो जाती है क्योंकि ये सब रोड पे ना, JVLR पे एक तो काम बहुत टाइम से चल रहा है और कई सारे जगह पे रोड पतले भी कर दिए हैं, तो कभी कभी ट्रैफिक मिल जाता है। सूरज देवता प्रकट हो चुके हैं। मुझे 8:30 बजे का पहुंचने में, और उसके बाद वैसे जल्दी पहुंच सकता हूं, लेकिन मैं बहुत ही आराम से जा रहा हूं। स्पीड अपनी मेंटेन्ड है एकदम। एक तो मुंबई में गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक्चुअली थोड़ी नहीं बढ़ी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और ऊपर से मैंने एक अच्छा खासा मस्त जैकेट पहना है, मोटा वाला। कहाँ सोचा था इस टाइम पे पहुँच जाऊँगा, अभी पवई में ही अटका पड़ा हूँ। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं जल्दी। शशांक विश्वकर्मा बुलुंड चिकनाको को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहा है। हम थाना पहुंच गए, अभी ये रूट ले रहे हैं भिवंडी के लिए। वो रोड पे रिफ्लेक्ट हो रही है ना धूप, तो आंखों में लग रहा है। ये कौन सी नदी है? आज मेरा एक्शन कैमरा मुझे धोखा देगा नहीं। आज बहुत ही अच्छा चल रहा है, प्यारा चल रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है इसको यूज करने में। तो अभी मैं पहुंच गया हूं और वेट कर रहा हूं अपने भाई का। कहां जा रहे हैं अभी तक मुझे खुद को कंफर्म नहीं है। भाई शूट करने के लिए बहुत अच्छा जगह है ये। वहाँ से बंद है क्या वो साइड से? अच्छा बंद है इधर से, ठीक है थैंक यू। यहाँ से एक चीज तो है, व्यू काफी अच्छा आएगा। नाइस, जगह काफी अच्छी है खड़े होने के लिए, ऐसा नहीं है, बट फिर भी रिस्क नहीं लेंगे। ये अंदर क्या है? अंदर कर लिया मैंने, अभी दूसरे लोकेशन पे जाते हैं, वहाँ पे भी फोटो शूट करते हैं। थोड़ा अभी आया हूँ तो यूटिलाइज कर लूँ इस टाइम को, फिर आराम से जाऊँगा यहाँ से। चल भाई तो अभी जा रहे हैं हम लोग कुछ नाश्ता करने, क्योंकि सुबह से दोनों ने कुछ नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया और इसने भी नहीं खाया।
अभी हमने दो मिसल पाव ऑर्डर किया है, पहले तो कुछ खाएंगे। नाश्ता करके हो गया, हमने खाया मिसल पाव। एक तो ऐसे सर्दी ऊपर से तीखा भी था। सेम लेक पे जा रहे हैं, बट जो व्यू होगा वो डिफरेंट होगा, तो देखते हैं। चलो तो हम लोग ऐसे एक लेक का राउंड मार रहे थे, तो एक काफ़ी अच्छा व्यू दिखा मुझे, मैंने सोचा रुक के एक शॉट ले लिए थे। सी वी आर गोइंग बैक होम। अभी यहाँ से नहीं है, नहीं है, निकल जाऊँगा मैं आराम से। ग्लव्स नहीं लाया, ग्लव्स लाया होता तो हाथ भी बच जाते, बट ग्लव्स लाया नहीं हूँ। ये जब से मैं जा रहा हूँ, जितनी बार भी गया मैं बाहर, हर बार ऐसा ही हुआ है कि मैं बाहर जाने के कुछ टाइम बाद मुझे याद आता है कि मुझे ग्लव्स भी लेना था, क्योंकि आते आते धूप हो जाएगी और हाथ जलने लगेंगे, बट याद ही नहीं रहता है। बट कोई नहीं, टाइम हो गया 2:17, 3:30 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। बीच में हो सकता है मुझे ट्रैफिक मिले। ओ माय गुडनेस, हाथ जल रहे मेरे बहुत ही। यहाँ पे हवा नहीं, लू चल रही है एक्चुअली। हाय 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 हाथ। अभी ऐसा लग रहा है कि वाइजर जो है मेरा वो ब्लैक होता तो अच्छा होता, क्योंकि आंखों में चुभ रहा है अभी धूप। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं सनग्लासेस को पहन ही नहीं पाता हूँ, बिकॉज चश्मा है मुझे। एक्चुअली हमारा नेक्स्ट संडे का भी प्लान बन चुका है। नेक्स्ट संडे में मोस्टली मैं भिवंडी आ रहा हूँ। क्यों बता दो, क्योंकि यहाँ पे एक शंकर भगवान की मंदिर है, जिस जहाँ पे पहुँचने के लिए आपको ट्रैकिंग करना पड़ता है, तो वो थोड़ा नया होगा मेरे लिए। तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट संडे ट्रैकिंग करूँगा यहाँ पे आके। और अब पता है मुझे नेक्स्ट संडे करना क्या है, तो मैं थोड़ा सा प्रिपेयर हो गया होऊंगा। मैं ऐसे ट्रक्स देखता हूँ ना लंबे लंबे, मुझे हमेशा वो धूम वाला सीन याद आता है। आपने देखा होगा धूम मूवी, किसने नहीं देखी यार, जिसने नहीं देखी है प्लीज जाओ यहाँ से देख के आओ पहले। तो वो बाइक से ऐसे आते हैं, फिर वो ट्रक खुलता है, चोरी करके आते हैं बेसिकली वो लोग, और ऐसे ट्रक खुलता है, फिर वो लोग ट्रक के अंदर चले जाते हैं, फिर पुलिस सबको ढूंढती है। वो आई थिंक फर्स्ट चोरी होती है उनकी सीन में। तो ऐसे जब भी देखता हूँ मेरे को हमेशा याद आता है, बचपन में भी ऐसे ही होता था हमेशा। Look at the view. सोलो राइड अच्छा है यार, मतलब मैं अब कर सकता हूँ। एक्चुअली सोलो जाना थोड़ा सा मैं कंफ्यूज होता हूँ कि सोलो जाऊँ कि नहीं, क्योंकि कहीं कहीं कोई शूट करे मेरा ऐसा, थोड़ा कभी कभी मूविंग शॉट लेना होता है, तो जो कि वीडियो में बहुत अच्छा दिखता है। ऑल गुड, अभी तक तो बहुत ही सही चल रहा है। वीडियो अच्छी लगी है आपको तो वीडियो के नीचे देखना आप एक ऐसा थंब बना होगा, उस पर क्लिक करोगे तो ब्लू हो जाएगा। वो करने के बाद वहाँ पे एक सब्सक्राइब लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ग्रे हो जाएगा। तो ये सब करके जाना चैनल पे, मज़ा अच्छा लगता है मुझे, मुझे दिल से अच्छा लगेगा अगर आप ये करके जाओगे तो।